सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखेंगे एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड चेक वेदर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और नॉट। ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग अब होती क्या है? सबसे पहले चीज ये समझने की कोशिश करते हैं, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि रिवर्स ऑफ समथिंग, रिवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू ओरिजिनल। ठीक है, तो अब कैसे देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल ले लो। आप सपोज आप कोई भी एक स्ट्रिंग लेते हो, सपोज ए बी बी ए, सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल अब्बा। ठीक है, तो अब इसको रिवर्स करें तो क्या आएगा? सबसे पहले ये, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए। तो जो रिवर्स है और जो ओरिजिनल है दोनों सेम है कि नहीं है? ओरिजिनल सपोज ये है, रिवर्स ये है, तो दोनों सेम है कि नहीं है? तो ये क्या कहलाती है आपकी? रिवर्स स्ट्रिंग कहलाती है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मॉम, तो आपका रिवर्स, तो ये कहलाएगी हमारी क्या? आपका पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को करते कैसे हैं, प्रोग्राम कैसे करेंगे? सिंपल सा करना क्या है, आपको एक लेआउट पहले मैं बता दे रहा हूं। रिवर्स आपको आता है कराना, रिवर्स कैसे? लेंथ माइनस वन से एक लूप चला देते हैं इसके पहले प्रोग्राम में, लेंथ माइनस वन से लेके जीरो तक। अब इस लूप को अंदर जो कैरेक्टर निकल के आएगा, इसके पहले हम प्रिंट कराते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। स्टोर किस में करा सकते हैं? ऑब्वियसली आता है स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप में स्टोर कराएंगे, स्टोर करा देंगे, स्ट्रिंग को उठा के स्टोर करा देंगे। कैसे स्टोर कराएंगे? एक सपोज हम एस वन ले लेंगे, एक सपोज हम क्या ले लेंगे, एक एस वन ले लेंगे। एक सेकेंड, आज पेंसिल बार बार दिक्कत दे रही है। चलिए, ऑफ शिट, एक सेकेंड दीजिएगा, पेंसिल चार्ज में दीजिए। तो मैं बताऊं आपको क्या करना पड़ेगा, एक एस वन लेना पड़ेगा, उस एस वन के अंदर उठा के अभी भी नहीं चल रही है, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा आप लोग। वापस से कनेक्ट हो गई, होपफुली चल जाएगी, 100% चार्ज है। आप प्लीज 10 सेकंड आगे स्किप कर दीजिए वीडियो, सो दैट आपको वेट ना करना पड़े। चल गए, फाइन। तो अब क्या करेंगे, एस वन एक ले लेंगे जिसके अंदर नई वाले स्ट्रिंग्स एस वन प्लस क्या कर देंगे, कैरेक्टर कर देंगे। और अगर एस वन इक्वल टू क्या हो, एस के बराबर ही, उसके लिए हम लोग इक्वल्स फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल्स फंक्शन का यूज करने के बाद अगर आपका एस वन जो है वो एस के बराबर है, दैट मीन्स तुरंत ही क्या होगी, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी। ठीक है, प्रोग्राम कैसे होगा, फटाफट आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम देखने को देखते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, क्लास का नेम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट को फिर ओपन करेंगे, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, एक हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग एस ले लेंगे। ठीक है, यूजर एंट्री कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर स्ट्रिंग। अब अगला एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। देखिए, आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि मैं हर लाइन में हर एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखता हूँ। इससे फायदा कभी कभी ये हो जाता है कि जब भी आप प्रोग्राम थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेड जाता है, तो वहां पे आपको स्पेस मिल जाती है कुछ नया ऐड करने के लिए, या फिर आपको कुछ नया वेरिएबल डिक्लेयर करने है, नई लाइन लिखनी है तो वहां के लिए। ठीक है, अगला काम क्या करेंगे, आई एन टी एल ले लेंगे, आई ले लेंगे फॉर लूप और लेंथ। एल इज इक्वल टू एस डॉट, हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ। एस डॉट हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे। आफ्टर दैट आपका क्या हो गया, एस डॉट लेंथ लिखने के बाद
फॉर का आपका लूप चल जाएगा आई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं लेंथ माइनस वन से चलेगा, एल माइनस वन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे हमने क्या चला दिया, एक रिवर्स लूप चलाया। हमने इसके पहले भी प्रोग्राम में देखा था रिवर्स कैसे होना है, बस पैलिंड्रोम के अंदर हमें इसको स्टोर करा के चेक कराना है, ये एक्स्ट्रा आ जाता है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कैच सी को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, सी इज इक्वल टू वॉट एस डॉट कैरेट आई, ये पीछे से क्या करता रहेगा एल माइनस वन से लेके जीरो तक के पीछे से, ये इस तरीके से जैसे कोई भी स्ट्रिंग लिखी हुई, सपोज स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो जी को पहले एन को फिर आई को फिर ये, इस तरीके से पीछे से एक एक कैरेक्टर को निकालता रहेगा। अब वो सब स्टोर कहाँ पे होना है, एक एस वन के अंदर स्टोर होना है, एक एस वन ले लेंगे। एस वन की इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे। एस वन की इनिशियल वैल्यू जैसे काउंटर के अंदर नहीं इनिशियल वैल्यू जीरो रखते हैं काउंटिंग जब कुछ कराते हैं, तो उसी तरीके से एस वन की इनिशियल वैल्यू ब्लैंक रखेंगे। ब्लैंक क्यों, ताकि हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस है, मतलब ये सिंगल कोट ओपन हुआ, सिंगल कोट मतलब डबल कोट ओपन हुआ, डबल कोट क्लोज हो गया, ठीक है। जिससे जैसे जीरो से जीरो के अंदर प्लस वन करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वैसे ही ब्लैंक के अंदर एक नया वर्ड ऐड करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो एस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस वन इज इक्वल टू एस वन प्लस सी। इससे क्या होगा, रिवर्स जितना आता रहेगा वो एक के बाद एक जाता है इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ऑल है हमारी स्ट्रिंग, हमारी स्ट्रिंग क्या है ऑल है, तो सबसे पहले एल आएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी एल हो जाएगी, एस वन के अंदर ब्लैंक प्लस एल, तो एस वन की नई वैल्यू क्या हो जाएगी एल। फिर अगला दूसरा एक और एल आएगा, ऊपर जाएगा कंडीशन आपका, एक और एल आएगा तो दूसरा वाला एल, एल पहले से था प्लस उसके अंदर एक और एल तो डबल एल हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा ए आ जाएगा तो कैपिटल, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा पूरा का पूरा रिवर्स, ये क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपका रिवर्स स्टोर करा रहा है, ये पार्ट आपका रिवर्स स्टोर करा रहा है, ठीक है, ये रिवर्स आपके स्टोर हो जा रहे हैं यहाँ पे, फाइन, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगला काम क्या होना चाहिए, हमारे पास रिवर्स भी आ गया, हमारे पास ओरिजिनल भी स्ट्रिंग है। अब कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा था एस वन डॉट इक्वल्स, क्या है एस वन डॉट इक्वल्स एस, ये क्या करेगा रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। स्ट्रिंग के अंदर आप कंपैरिजन ऐसे करा सकते हो, मतलब जैसे नंबर्स के अंदर हम लोग डबल इक्वल टू का कंपैरिजन कराते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन का यूज करके, ये फंक्शन क्या करता है रिटर्न करता है ट्रू अगर स्ट्रिंग बराबर हुई, ठीक है। तो अब क्या हमें चेक कराना था यहाँ पे बराबर है कि नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स, उसके बेसिस पे हम कराएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ एस वन इक्वल्स एस, नई वाली स्ट्रिंग रिवर्स वाली अगर ओरिजिनल के बराबर है, तो ब्रैकेट ओपन करके क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैलिंड्रोम, एल्स ब्रैकेट ओपन करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट पैलिंड्रोम, ब्रैकेट को यहां पे क्लोज, मेन मेन बंद हो जाएगा आपका और क्लास बंद हो जाएगी। होपफुली यहां तक सबको एकदम अच्छे समझ में आ गया, इसको ड्राई रन करिए, कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, थैंक यू।